शेखवान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे, अल्लाह पाक आपको पांचों वक्त का नमाजी बना दे और कुरान पाक पढ़ने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला बना दे। आज जो मैं आपके साथ वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ, ये एक ऐसे नायाब वज़ाइफ है। देखिए, एक तरीका मैं आपको समझा देती हूँ कि ये वज़ाइफ आप अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने शोहर के लिए और शोहर अपने बीवी के लिए कर सकता है, ठीक है। नाजायज काम के लिए मैं कभी भी आपको इजाजत नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप इखलाक से गिरी हुई कोई ऐसी तो बनौजबिला हरकत नहीं है या कोई ऐसा मसला नहीं है, या आप मतलब कि हक के जायज पर हैं, या अपने दिल में कोई पोशीदा बात है, तो इजाजत मुझसे ले लीजिएगा इस अमल को करने की, तो फिर ये अमल कीजिएगा। तरीका इसका ये है कि शब जुमा में आधी रात को, शब जुमा निसफ रात का मतलब होता है तहज्जुद के वक्त, आधी रात तहज्जुद का टाइम होता है, तो जब आधी रात गुजर जाए यानी कि तहज्जुद का टाइम थोड़ा सा गुजर जाए, तो आपने क्या करना है, तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है और बावजू होकर तीन मर्तबा, सिर्फ तीन मर्तबा बावजू होकर ये दुआ पढ़ेंगे, जो फा फबी एक ये है और फबी तवल्लो यहां से लेकर रब्बुल अर्शिल करीम तक पढ़ेंगे, और उसके बाद तीन मर्तबा मतलब कि आप ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है, बावजू होकर। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अंता से लेकर, ठीक है, तो आपने इलैया इलैया तक आप ये दुआ मुकम्मल करेंगे। ये दोनों दुआएं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और एक बात, अब आप इस तरफ आ जाए, जब आप स्क्रीन पर देखोगे जो ऊपर वाली दुआ होगी वो आपने तीन मर्तबा पढ़नी है, ठीक है। जो नीचे वाली दुआ होगी तो अल्लाहुम्मा अंता से लेकर आपने जब आना है ना, फला बिन फला दे, फला बिन फला, तो फला की जगह आ जाएगा जिसके लिए आप दुआ मांग रहे हो। फला अगर आपकी, आप अपनी बीवी के लिए दुआ मांग रहे हो तो भाई अपनी बीवी का नाम लेंगे, और अगर बीवी दुआ मांग रही है तो फिर अपने शोहर का नाम लेगी। फला बिन कौन है, बिन माँ, किस माँ का बेटा है वो, फला बिन फला जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपने जो है अपने शोहर का नाम और उसके बाद अपनी उसकी वालदा का नाम यानी अपनी सास का नाम लेंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, एक ऊपर वाली दुआ होगी तीन दफा पढ़ेंगे, जब उसके बाद दुआ मांग लेंगे, उसके बाद जो दुआ पढ़ेंगे उसके अंदर फला बिन फला आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, तो वहां पर आपने जो है मतलूब और जो मतलूब है वो तालिब का नाम लिखेगा और उसकी वालदा का, तो ये नाम आप लिखेंगे, ठीक है। कि इस जो है, अगर ये वजीफा पढ़ने वाली अगर औरत है तो फिर उस मर्द का नाम और उसकी माँ का नाम यानी अपने शोहर का और उसकी माँ का नाम, और अगर पढ़ने वाला मर्द है तो फिर फला बिन फला की जगह उसका नाम और उसकी माँ का नाम, ठीक है। तो इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। जिसकी मोहब्बत के आप तालिब हो या जिसकी मोहब्बत के आप मतलूब हैं, अगर ये वजीफा पढ़ने वाला मर्द यानी शोहर है तो फिर मुकम्मल जिस तरह हमने आपको तरीका बताया है उसी तरह करेंगे, और अगर पढ़ने वाली औरत है तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरह करेंगे। नाजायज इस जो है, इतना ये किसी बुजुर्ग ने दीन का दिया हुआ ये वजीफा है, नाजायज इस्तेमाल इसका नहीं करोगे। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, या आप किसी के लिए करना चाहते हो, या आपकी अभी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो आपने ये इसकी इजाजत लेनी है। और ये वजीफा कब करना है, जब शोहर नाराज हो, जब शोहर आपसे बात ना करता हो, जब शोहर आपसे मोहब्बत ना करता हो, जब शोहर आपकी बात ना मानता हो, या फिर घर की तरफ तवज्जा ना देता हो, आपकी तरफ तवज्जा ना देता हो, तब ये अमल करें, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मसला है जो निजी मसला है, अगर कोई बहन या भाई करना चाहता है, उसकी इजाजत लेना लाजिम है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप, जब आप मुझसे पूछो या इजाजत लो तो मुझे पता होना चाहिए कि आप ये किस काम के लिए वजीफा कर रहे हो। अगर आप मियां बीवी के लिए कर रहे हो तो फिर तो बगैर इजाजत के आप करोगे, अगर किसी और मकसद के लिए कर रहे हो फिर आप समझ तो आप भी रहे होंगे। तो मैं इतनी वाह जो नहीं हूं कि मैं आपको खुले लफ्जों में कहूँ तो बना उज बिल्ला तो बस तफर, तो आप खुद समझदार हैं।
अच्छा, तो ये जो वजीफा इतना आजमूदा है, अगर कोई ऐसा मसला है तो जरूर मेरे बहन भाई लाजमन करें, तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। और इसका खुलासा ये है कि अगर जैसे मर्द यूं पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतर रब्बुल हस्बी, ठीक है, यहां पर एक आयात आ रही है ऊपर स्क्रीन पे, आप देखेंगे तो ऊपर आयात आपको नजर आ रही होगी, तो वहां पर अगर आप अल्लाहुम्मा अंतर रब्बु हस्बी, ठीक है, तो उसके बाद क्या पढ़ना है, अपनी बीवी का और उसकी माँ का नाम ले, ठीक है, अगर मर्द पढ़ रहा है अपनी, और अगर औरत पढ़ रही है वजीफा, खलासा मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसका दोबारा से तरीका आपको समझा रही हूँ। तो जब आप आते हैं कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बुल हस्बी, ठीक है, तो उसकी जगह आपने जब फलाह आएगा ना, वहां पर मर्द औरत जो उनसी है अपने ना शोहर का नाम ले और उसकी वालदा का यानी अपनी सास का नाम ले, और फिर इस अमल और इस वजीफे का जो है तरीका, या आप देखिएगा किस तरह आपकी जो लाइफ है वो पलटती है। ऐसा इसरार, मतलब कि ऐसा तस्वीर वाला और इसरार जो ये वजीफा कहलाता है ना, तो यकीन माने बहुत नायाब है, बहुत ये मोहब्बतों को पैदा करने वाला वजीफा है। अगर जैसे किसी के दिल में या किसी अपने चाहने वालों के दिल में या अपने वालदेन के दिल में या किसी भी दिल में आपने मोहब्बत करनी हो, तो सिर्फ ये तरीका इख्तियार करेंगे जो हमने आपको बताया है। इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ, अगर अमल समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, पूछें, बात करें, ताकि आपको उसका जवाब दिया जाए। और अगर आपने किसी और मकसद के लिए करना है तो पहले इजाजत लें, पहले हमें पता होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए, फिर हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे, तो उसके तरीके से फिर आप अमल कीजिएगा। जैसे दे अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको मेरा वजीफा पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।